नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच, मैं हूं अनुराग दीक्षित। लोकमंच में आज बात भारतीय अर्थव्यवस्था की 2013 को ध्यान में रखते हुए इस पूरे बीते एक साल में भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से रही है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 5-6 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव होने हैं, अगली सरकार सामने आनी है। लेकिन इस एक साल का सफर कैसा रहा है, यही समझने की कोशिश करेंगे। अलग अलग मोर्चों पर महंगाई, भ्रष्टाचार, संसद में आर्थिक मामलों से जुड़े लंबित बिल, सरकार की नीतियां, पॉलिसी पैरालिसिस के आरोप, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको समझना और समझाना बहुत जरूरी है। इन्हीं सब पर चर्चा अगले एक घंटे में आज लोकमंच में। तो वर्ष 2013 में भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी रही, इसी को समझने की कोशिश और इससे सबक लेते हुए 2014 में क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, ये भी जानने की कोशिश अगले एक घंटे में। चार बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं एसके जिंदल साहब, आप एसोचैम से जुड़े हुए हैं, एसोचैम की निवेश समिति के अध्यक्ष हैं। भारत जिसको निवेश का एक बड़ा बाजार कहा जा रहा था, इस बीते में क्या ऐसा कुछ दिख पाया है, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से जुड़े हुए हैं, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे एफडीआई की हकीकत को। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह जी, आप आर्थिक संपादक हैं अमर उजाला समाचार पत्र के, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी कार्यक्रम में। और हमारे साथ होंगे शिशिर सिन्हा साहब, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदू बिजनेस लाइन के, तो जब हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, ये तब हो रहा था 2013 में जब इस देश के प्रधानमंत्री, जिनको खुद आर्थिक मामलों का जानकार माना जाता है, वित्त मंत्री, एक काबिल वित्त मंत्री के तौर पर उनको समझा जाता है, फिर भी ऐसा सब हो रहा है, क्या कोई खास वजह? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनमोहन सिंह बहुत काबिल हैं और वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उनका अच्छा ज्ञान भी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो हमने पॉलिसियां बनाई पिछले 3 साल से, तो उस पॉलिसियों में हमने सोचा कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट से ग्रोथ होगी, जैसा कि हम इस चैनल पे कई बार डिस्कस करते रहे। 2 साल पहले हमने देखा कि एफडीआई में लिबरलाइजेशन किया, एफडीआई रिटेल को हमने खोला, बट उसके साथ में हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं पाया, एफडीआई रिटेल के अंदर कोई रिटेल कंपनी आ नहीं पाई एक्सेप्ट फॉर टेस्को के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाया है, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि हिंदुस्तानी इन्वेस्टर के पास भी बहुत सारा पैसा है, बल्कि हिंदुस्तानी इन्वेस्टर ने पैसा बैंक में रख रखा है, इंडिया का आउटवर्ड एफडीआई जो है वो ज्यादा है, और इंडियन इन्वेस्टर को भी हम ये कन्विंस नहीं कर पाए कि भैया आप हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्ट करो तो उसके अंदर रेम्यूनरेशन ज्यादा अच्छा, आप करें विश्वास पैदा नहीं कर पाए, विश्वास सरकार पैदा नहीं कर पाए वो एक, और उस हिसाब से जो है ये जो नीति हमने बनाई 2-3 साल पहले, उसने सरकार ने बहुत रेजिस्टेंस भी किया, जैसे एफडीआई में आपने देखा पूरे देश में विरोध हुआ, रिटेल स्टोर्स बंद, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर चली गई साथ मैडम चली गई, और बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद आर्थिक मतलब आर्थिक उस पे फील्ड पे आर्थिक मोर्चे पे भी उस पे कोई सफलता हमको हासिल नहीं हुई। हरवीर जोशी सर, आपको लगता है वास्तव में करप्शन अपने आप में एक बड़ी समस्या 2013 में भी रहा है जिसके चलते पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है? करप्शन जैसा कि बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि करप्शन होता है स्पेशली इकोनॉमी पे, तो एक तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है उसमें इंडिया इज एट द बॉटम। करप्शन से एक फर्क पड़ता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इंक्रीजेस। बिल्कुल, तो अगर इसको फाइनेंशियल टर्म्स में करो तो बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है, कंट्री करप्ट हो या नॉन करप्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि इन व्हेन देयर इज मोर करप्शन इन अ कंट्री, देयर आर सर्टेन बिजनेस व्हिच बिकम्स मोर प्रॉफिटेबल, बट देयर आर सर्टेन बिजनेस द यू नो द लीगल बिजनेस बिकम अनप्रॉफिटेबल इन दोस कंट्रीज, तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अच्छा जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो भी इंडिया को बहुत नीचे लेती है, फिर एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो इंडिया में जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज है यू नो इट इंक्रीजेस, सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज ऑल्सो इंक्रीजेस करप्शन। ठीक बात। अच्छा, दूसरा कि दिस ऑल्सो इंक्रीजेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अच्छा, इस पूरे से जो है डूइंग बिजनेस की एफिशियंसी गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड इन दिस कंट्री विच इज वेरी बैडली बींग अफेक्टेड। अभी पिछले 2-3 साल से क्या हुआ है कि इस देश के अंदर करप्शन के ऊपर थोड़ी जागरूकता आई है, और वो हर तरह से हुआ, कोई भी आप आंदोलन समझ लें या कोई पर्टिकुलर पार्टी समझ लें, उस जागरूकता के कारण एक आम आदमी को पता चला है कि करप्शन के कारण देश की और हमारी एफिशिएंसी खराब हो रही है। कल शपथ लेने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल सर, और उस वो कंसेप्ट एक पब्लिक में इस तरह से मार्केट भी किया गया है
कि करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम, और उसमें बहुत हद तक एक सच्चाई भी है। और इसलिए ऐसा लगता है कि करप्शन, देयर इज नो शॉर्टकट टू रिड्यूस द करप्शन। नाउ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मान लो कल दिल्ली में शपथ लेने जा रही है, हु क्लेम कि करप्शन फ्री हम सरकार देंगे, तो नाउ इट्स अ मोटिवेशन फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू यू नो टू इम्बाइब द वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिटिकल पार्टी, सो दे ऑल्सो विन द इलेक्शन। बट प्रॉब्लम हुई क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में हम पूरे साल से बात कर रहे हैं, कभी कभी तो लगता है कि प्रॉब्लम का डायग्नोसिस ही गलत हुआ। एग्रीकल्चर की जैसे बेसिक प्रॉब्लम है 30-40% का वेस्ट है, हर आदमी कहता था कि FDI इन रिटेल आ जाएगा तो सारी प्रॉब्लम खत्म, स्वर्ण युग जैसी स्थिति होगी, स्वर्ण युग हो जाएगी और सारा वो वेस्टेज खत्म हो जाएगा। उसकी की प्रॉब्लम थी लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एंड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द लॉज। मंडीज हमने बनाई कि फार्मर को एक अच्छी जगह मिले जहां पे हम बेच सकते हैं, वो मंडी जो है करप्शन का सेंटर हो गई। उसके अंदर आप देखिए जो प्याज बेचता है वो आलू नहीं बेच सकता, जो आलू बेचता है वो गोभी नहीं बेच सकता, और उसने हमने ले लिया कि जो प्याज 10-20 रुपए किलो है गांव के अंदर वो हमने 100 रुपए तक दी। सर उन्हीं मंडियों में किसान से जो चावल है वो 3800 रुपए प्रति क्विंटल भी खरीदा गया है, उनको काफी दाम भी मिला है। खैर अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं संक्षेप, यू नो हमने पॉलिसी के अंदर तो FDI अलाउ कर दिया, सो ऑन पेपर इट इज अलाउड, बट व्हेन यू to the ground realities and making the real investment in this country, all the bottlenecks remains as it is. ठीक है। अच्छा ये कोई product नहीं, the whole packaging that we need to market. बिल्कुल। Infrastructure की problem को आपने touch ही नहीं किया। सरकार की बहुत ही मायोपिक थॉट है कि कहीं पे सब्सिडी दे दी इफ्स एंड बट्स के अंदर, लेकिन वो क्या कि थोड़ी थोड़ी सब्सिडी से कोई बहुत लंबा हमको फायदा नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से अगर सरकार थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली और लॉन्ग टर्म सोचे तो उद्योग जगत को इनकी जरूरत भी नहीं है अगर हम केवल उनको दो चीज दे सके। नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट शुड बी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और एक एक चीज से अगर आप एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट बाकी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली से अगर आप आउटसाइड दिस NCR अगर धारूहेड़ा तक या गाजियाबाद को क्रॉस करना है या इसको क्रॉस करना है टू टेक द गुड्स, द कॉस्ट इंक्रीज अबाउट 8-10%। एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप दे दो तो आपका उद्योग जगत तो कॉम्पिटेटिव हो जाएगा, सरकार उसमें तो सोच नहीं रही है। हम थोड़ी थोड़ी सब्सिडी देते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है एक, और दूसरी जो सबसे बड़ी बॉटलनेक उद्योग जगत की है वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीजर्स। अगर आप प्रोसीजर्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट को प्रोसीजर्स में कम कर दें। बीच में हमने देखा इस पूरे साल में प्रधानमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों तक अलग अलग देशों में गए, निवेश के लिए रोड शोज और पता नहीं क्या क्या सब चीजें की गई हैं, उन सब चीजों का असर इस इन सकारात्मक उम्मीदों के बीच 2014 में क्या हम देख सकते हैं कि कुछ बड़ी कंपनियां भारत में आए, निवेश के लिए बातचीत करें, इच्छा जताएं और कुछ काम भी हो ईमानदारी से, फाइलों से आगे चीजें बढ़ें? देखिए 2014 में क्या हम ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये चीज लगभग सभी मल्टीलेटरल एजेंसीज ने अब क्लियर ठीक है, इसलिए इकोनॉमी बढ़नी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस ऑल डिपेंड्स ऑन प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया टू टेक एडवांटेज ऑफ द इंटरनेशनल सिचुएशन। तो क्या 2013 के नतीजों से भी सबक की उम्मीद नहीं है? नहीं, अभी आप देखिए जैसे दो चीजें हैं, एक तो एक्सपोर्ट का जहां तक सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का जहां तक सवाल है, उसमें हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो बहुत ज्यादा काम आएगी, और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बहुत काम आएंगी। अब आपने देखा अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और हमारा इंपोर्ट भी बढ़ गया तो ट्रेड डेफिसिट की तो प्रॉब्लम वैसी ही रह जाएगी। अब अगर इस समय ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है तो सोना एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और गोल्ड के अंदर हमने ड्यूटी जो है 2-10% बढ़ा दी है। ड्यूटी बढ़ने का एक एस्पेक्ट तो ये है कि गोल्ड का इंपोर्ट कम हो गया, उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि स्मगलिंग बढ़ गई है उसकी। अच्छा एग्रीकल्चर का जहां तक सवाल है कि जैसे सरकार को पॉलिटिकली नुकसान हुआ कि प्राइसेस बहुत ज्यादा थी फूड कमोडिटीज के अंदर, तो इसमें अगर प्राइस कम आएगी तो ये भी डबल एज सोर्ड है। इफ प्राइस नीचे आती है तो फार्मर को प्रॉब्लम होती है, फार्मर को प्रॉब्लम होती है तो देर उस पर चर्चा बहुत कम होती है, उस पर चर्चा बहुत कम होती है, और अगर उस पर चर्चा नहीं हुई अल्टीमेटली प्रॉब्लम तो लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, उस पे हम फिर नहीं जा रहे हैं। फिर अगर वो कम हो गई, अब जैसे आपने देखा कि वो उसकी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है सरकार ने 100.5 कर दी है यूनियन की, क्योंकि ये प्राइस कम हो गई, कभी आप घटा देते हो कभी बढ़ा देते हो कभी उसको बैन कर देते हो, तो हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक स्टेबल सिग्नल नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि क्या इन अंतरराष्ट्रीय कारणों को जिनको आप कह रहे हैं कि वो अच्छे हैं बेहतर हैं, क्या उनका हम लाभ ले सकते हैं, फायदा ले सकते हैं अगले एक साल में, इस बीते एक साल की इच्छा शक्ति को ध्यान में रखकर?
अब इसमें मुझे लगता है कि कोई इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के बिना नहीं हो सकती, और इस समय पॉलिटिकल की ये सिचुएशन है हिंदुस्तान में कि अभी 6 महीने तो इलेक्शन में लग जाएंगे आपको, उसके बाद 6 महीने नई सरकार को समझने में लग जाएंगे, तो अब वो नई सरकार क्या डिसीजन ले पाती है। अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोड शो इस सरकार कर रही है बट एट द सेम टाइम या बाहर मार्केट कर रही है कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए, बट इन्वेस्टर जो है वो तो बिकॉज ही इज पुटिंग मनी। तो ठीक है, ठीक है, जो बात हरवीर सर कह रहे हैं और जिंदल सर कह रहे हैं, आपको लगता है वास्तव में अब राजनीति को भी, राजनीतिक वर्ग को भी अर्थनीति को अपनी प्राथमिकता में लाना होगा? उभरते मध्य वर्ग के समाज में आपको ऐसी ही नीतियां बनानी होंगी जिस पर ईमानदारी से काम करना होगा, वरना ऐसी आप 8 सीटों पर सिमटते रहेंगे। इसमें कोई दोराय नहीं है। अब आप देखिए, जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, लोग समझदार हो रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम समझने लगे हैं और थोड़ा सा उनका इनकम भी बढ़ता जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल से जमीनी हकीकत को समझ रहे हैं कि जब तक इस देश का आर्थिक विकास नहीं होगा, जब तक साधारण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक एजुकेशन नहीं होगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार नहीं होगा। और मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां भी मोर और लेस ये समझने लगी हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब वोटर को कम से कम ये कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है कि हम आर्थिक विकास करेंगे, हम आपकी इनकम बढ़ाएंगे, हम आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, हम आपके लिए ज्यादा उन्नति के अवसर पैदा करेंगे। वो हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। अच्छी बात, लेकिन यहाँ भी विश्वास